सब्सक्राइब कीजिए रेयर फैक्ट्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कुछ मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, कुछ बड़ा, कुछ ऊंचा, और भी ज़्यादा ऊंचा, और फिर सबसे ऊंचा। किसकी तमन्ना नहीं होती ऊंचाई पर पहुंचने की, और बात जब सर्वाधिक ऊंचाई की हो तो फिर इनका खास होना लाजमी है। बुर्ज खलीफा के नाम से आज दुनिया में शायद ही कोई अनजान हो। आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का तमगा मिलना कोई आम बात तो नहीं है। वैसे बुर्ज खलीफा भी आम इमारत नहीं है। इसकी इंस्पिरेशन से लेकर इसकी मेकिंग और इसका इम्पैक्ट सब कुछ खास ही तो है। आइए वर्तमान के इस भव्य इंजीनियरिंग के नमूने के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप दुबई गए हो या फिर जाने वाले हो या फिर नहीं भी गए हो तो इस आर्किटेक्चर के बगैर आपकी यात्रा अधूरी सी ही रहेगी। पहले जानते हैं कंसेप्ट क्या था इस बिल्डिंग के निर्माण के पीछे। इस बिल्डिंग के कंसेप्ट की बात की जाए तो इसके पीछे एक खूबसूरत फूल है, एक खूबसूरत डेजर्ट फ्लावर की तरह। यह बोटानिकल फैमिली का फूल है जिसे हिमोनोसोलिस कहा जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार एक सेंट्रल कोर के तीन ओर इस फूल की तरह से ही स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है। अरेबियन गल्फ के लिए वाई शेप एक बेहतरीन व्यू प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से इस कंसेप्ट पर बनी यह बिल्डिंग हिमोनोसोलिस फूल की तरह ही बेहद खास नज़र आती है। अगर क्विक फैक्ट्स की बात की जाए तो दुनिया की गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इसी कड़ी में इसमें लगे समय का जिक्र करें तो इसे बनाने में 6 साल का समय लगभग 2004 से 2010 तक लगा और तकरीबन $8 अरब की भारी भरकम राशि भी लगी। दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत के निर्माण के समय इसका नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन बिल्डिंग को वित्तीय सहायता देने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में उद्घाटन के समय इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा कर दिया गया था। संपूर्ण विश्व में मानव निर्मित आर्किटेक्चर में यह नायाब है। इस इमारत के निर्माण में लगभग 12,000 मजदूरों ने प्रतिदिन काम किया। तो इस इमारत की भारी क्लैडिंग जो 26,000 ग्लास पैनलों से बनी है, इसके आवरण के लिए चीन से खास तौर पर 300 क्लैडिंग स्पेशलिस्टों को बुलाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 163 मंजिलों वाली यह इमारत दुनिया के सबसे ज़्यादा तलों वाली इमारत है। तो दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और सबसे लंबी लिफ्ट वाली इमारत, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड भी यही बिल्डिंग रखती है। और भी कई रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के नाम दर्ज है। खास बात यह है कि इस इमारत की लिफ्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इमारत के 124वें तल पर स्थित एट द टॉप मात्र दो मिनट में पहुंच जाती है। टूरिस्ट्स इस अवलोकन डेक एट द टॉप पर टेलीस्कोप से दुबई का नज़ारा देख सकते हैं। कुछ और ऊंचे रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां 76वीं मंजिल मीन्स 76th फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और 158 यानी 158वीं मंजिल पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मस्जिद की उपस्थिति बेहद खास है। और हाँ, इसी बिल्डिंग में दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब भी स्थित है। मतलब ऊंचा ही ऊंचा रिकॉर्ड और ऊंचे ही ऊंचे रिकॉर्ड। चलिए अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन की कहानी देखते हैं। थोड़े विस्तार से कहें तो बुर्ज खलीफा का प्राइमरी स्ट्रक्चर बेहद मजबूत कंक्रीट का बना है, तो इसके निर्माण में लगभग 330,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। बुर्ज खलीफा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 45,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल तो सिर्फ बिल्डिंग की नींव बनाने में ही हुआ है। अगर इससे जुड़े कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में आगे बात करें तो इसके निर्माण में 3 टावर क्रेनों का इस्तेमाल किया गया
इसके साथ साथ नींव के लिए 1.5 मीटर डायमीटर वाले 43 मीटर लंबे 192 पाइल्स बनाए गए हैं जो ज़मीन में 50 मीटर की गहराई तक धंसे हैं। और भी तमाम खासियतें इस बिल्डिंग की है और ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं एक जगह उपलब्ध है ऐसा नज़र नहीं आता। बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रुतबा शायद छिन जाए। दिलचस्प यह है कि यह कारनामा करने वाला शहर दुबई ही होगा। बताते हैं कि इस पर काम भी शुरू हो गया है और इस नई इमारत का नाम टावर होगा जिसे अरबी भाषा में अल बुर्ज कहा जाएगा। जाहिर है यह प्रोजेक्ट पूरा होने की स्थिति में भी दुबई के पास ही सबसे ऊंचा बिल्डिंग रखने का ताज रहने वाला है। दुबई के बाहर की बात करें तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रुतबा बरकरार रह सकता है क्योंकि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में दुनिया की सबसे लंबी जिस यू शेप की इमारत बनाने की तैयारी की बात सामने आई है वह कब शुरू होगी इसकी ठीक ठीक घोषणा नहीं की गई है। वैसे द बिग बैंड नाम की यह इमारत बन भी गई तो सीधे तौर पर बुर्ज खलीफा को चुनौती नहीं दे पाएगी क्योंकि बेशक इस बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनी ओयो स्टूडियो के पास विश्व विख्यात डिज़ाइन टीम हो पर मैनहट्टन में कानूनी तौर पर इमारत की लंबाई सीमित रखनी पड़ती है। संभवतः इसलिए यह बिल्डिंग दुनिया की सबसे लंबी इमारत तो बन सकती है लेकिन सबसे ऊंची नहीं। वैसे लंबाई के मामले में दी बिग बैंड बुर्ज खलीफा से ज़रूर आगे निकल जाएगी अगर यह सब कुछ ठीक रहा तो। तीसरी चुनौती अगर सच में आकार लेती है तो भारतवासियों को इस बारे में सर्वाधिक खुशी होगी क्योंकि इसकी सुखबुगाहट भारत से ही है। यूं तो ऊंची इमारतों के मामले में भारत पश्चिमी देशों से काफ़ी पीछे है पर अक्टूबर 2015 में खबर आई थी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाने की इच्छा जताई है। तब यह एक बिजनेस कॉन्क्लेव में गडकरी ने कहा था कि उनका ख्वाब है कि मुंबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बने और उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टावर हो। अपने इस ख्वाब के बारे में उन्होंने बाकायदा खाका भी खींचा था जिसके अनुसार भविष्य के छत्रपति शिवाजी महाराज टावर में 30 फ्लोर कन्वेंशन सेंटर के लिए 30 फ्लोर रेस्टोरेंट्स के लिए 20 फ्लोर मॉल्स के लिए और कई फ्लोर पार्किंग के लिए रिजर्व रखे जाने चाहिए। हालांकि इसके बाद इस संबंध में कोई सुखबुगाहट सामने नहीं आई और बुर्ज खलीफा को चुनौती देने की बात आई और गई। वैसे मुंबई की चर्चा हो रही है तो बताते चले कि कुछ ही समय पहले मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिहाइश कम ऑफिस एंटेलिया काफ़ी चर्चित रहा है। यह ऊंचाई में बेशक बुर्ज खलीफा जितनी न हो किंतु विश्व की महंगी बिल्डिंग्स में यह अवश्य शामिल है। क्या पता आने वाले दिनों में भारत का कोई बड़ा उद्योगपति बुर्ज खलीफा से ऊंचा उठने की ठान ले। वैसे यह भी नितिन गडकरी की तरह ही एक ख्वाब ही है। वैसे भारत से बुर्ज खलीफा का खास नाता है क्योंकि इसमें कई भारतीयों के फ्लैट तो है ही। बीते 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को जब यह बिल्डिंग पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगी थी तो भारतीय लोगों ने इसका लगाव स्पष्ट कर दिया था। यूं संघाई जैसे कई शहर विश्व भर में ऊंची इमारतों के लिए जाने जाते हैं किंतु जब भी 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो बुर्ज खलीफा का उसमें खास स्थान रहेगा। मनुष्य आखिर क्या नहीं कर सकता इस बात की मिसाल है बुर्ज खलीफा। मनुष्य को आगे बढ़ते रहने ऊंचा उठने की प्रेरणा आखिर ऐसे निर्माण कार्यों से ही तो मिलती रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज हमने बुर्ज खलीफा के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे चल रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको ठीक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एपिसोड और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।